में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्जैन जिले के नागदा सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश से किसानों की हालत खराब हो गई है। पानी पूरे खेतों में जमा होकर पूरी फसलों को नष्ट कर चुका है। अब आलम यह है कि किसान अपनी दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज नजर आने लगा है। ये ही हाल ग्राम परमार खेड़ी और लिकोड़िया ग्राम का है, जहां बारिश ने पूरी फसलों को नष्ट कर दिया और किसान को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। अब किसानों के दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। अब बस किसानों की नज़र मुआवजे की ओर टिकी है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम भारत सिंह है। भारत सिंह जी, आपकी आपकी खेतों की क्या पोजीशन है? यही पोजीशन है सर, जो इनके है ये मेरे, मतलब सब आपकी सब फसल नष्ट, सब एक ही लाइन में है सब, कुछ में गंदा पानी भर गया, सब खराब है सब। मतलब गंदे पानी से जो ये हो रहा है सब फसलें खराब हो गई है। सब फसल खराब हो गई। तो आगे आप जीवन यापन कैसे करोगे? अब क्या करें सर, ऐसे ही है, कर रहे हैं कि फैक्ट्री वाला सुन भी नहीं रहा है। तो अभी कुछ दिया नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं है सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्जैन जिले के नागदा में गणेश चतुर्थी के